¿Cuánto le da? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? सभी लोग अच्छे होंगे ऐसी आशा है। फटाफट जुड़ जाइए, सारे फ्रेंड्स तक अपने वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बेहतरीन साइंस के क्वेश्चन को लेकर के हम आपके पास आ चुके हैं, और जितने सारे लोग लाइव में आ गए हैं, सारे लोग फटाफट अपने आप को रेडी कर लीजिए। हाथ में कॉपी और पेन आपका होना चाहिए, ताकि जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको इन क्वेश्चंस के अलावा जो दिया जाए, वो सारे के सारे प्रश्न आपके पास एकत्रित हो, ताकि परीक्षा के समय में वो आपको हेल्पफुल, आपकी सहायता कर सके। इसलिए हाथ में कॉपी पेन लेकर के रखिएगा, ताकि आपको और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हम दे वो आप लिख सके। सभी लोगों को गुड इवनिंग। दीपक कुमार, पायल झा, नेहा शर्मा, सचिन, शाहिन अंसारी, आइकॉनिक, सभी लोगों को गुड इवनिंग। सुरेश कुमार, विनीता मिश्रा, जितने सारे लोग जुड़ चुके हैं सभी लोगों को गुड इवनिंग। पुतिन, सभी लोगों को गुड इवनिंग। पायल झा, शाहिन अंसारी, प्रीति कुमारी। चलिए, तो फटाफट ज्यादा समय नहीं लेते हुए क्विज सेशन को शुरू करते हैं। सभी लोगों को गुड इवनिंग। नहीं जी, किसी को भूले नहीं है। शिवम झा सर भूल गए, नहीं भूले हैं, सभी लोग याद है। फटाफट जुड़ जाइए और पूरा हाईली एनर्जेटिक होकर के, ये जो समय चल रहा है, लास्ट आपके एग्जाम के प्रिपरेशन का समय है, और बस कुछ ही दिन में आपकी परीक्षा है। बहुत सारे स्टूडेंट वैसे भी देखते हैं मेरे सेशन को, जिन लोगों को बीपीएस बिहार एसआई का मेंस देना है, तो बिहार एसआई के मेंस का भी डेट बहुत नजदीक है, साथ ही साथ बीपीएससी का डेट नजदीक है, सीडीपीओ का डेट नजदीक है, और भी कई सारी वैकेंसीज आ रही हैं, लगातार आती जा रही हैं। जैसे सभी लोगों ने सुना सचिवालय की वैकेंसी आ गई है, और भी ऐसी कई सारी वैकेंसी है जो बिहार की भी हैं और बिहार के अलावा भी अदर स्टेट की हैं। तो सारे एग्जाम के लिए यह सेशन आपको मददगार साबित होगा, आपकी सहायता करेगा।
चलिए फटाफट ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए है, ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आराम से उत्तर दीजिए, कोई हड़बड़ाई नहीं है, सही आंसर आना चाहिए। चलिए प्रश्न संख्या एक, विटामिन सी क्या है, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। सर फल है, कौन सब्जी है और कौन सच्चा फल है। हाँ, तो इस तरह का भी क्वेश्चन हम मयंक जी लेकर के आएंगे, परेशान मत होइए, ऐसे भी क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत जल्द आने वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न है विटामिन सी जो होता है वो क्या है, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम जो है वो क्या है, स्कॉर्बिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है या फिर सल्फ्यूरिक एसिड है, फटाफट बताइए। आंसर आने लगा, बहुत लोग सी कह रहे हैं, कुछ लोग ए भी कह रहे हैं, कुछ लोग साइट्रिक एसिड टाइप करके लिख रहे हैं, फटाफट सारे लोग पार्टिसिपेट करिए, आंसर को लिख करके अगर आप बताइएगा तो वो चीजें आपको याद रहती है, तो टाइप करके, छोटा प्रश्न है, आंसर बहुत लंबा नहीं है, तो आप टाइप करके भी उसे लिख सकते हैं। बताइए फटाफट, विटामिन सी जो होता है वो क्या होता है, व्हाट इज विटामिन सी। तो जितने सारे लोगों ने कहा है कि सर एस्कॉर्बिक एसिड होता है, क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल ही सही है। विटामिन सी जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। तो जितने सारे लोगों ने सी आंसर दिया है, सभी लोगों का जवाब सही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या दो, प्रश्न संख्या दो का जवाब दीजिए, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, प्रश्न संख्या दो का जवाब दीजिए, विटामिन बी के अभाव में कौन सा रोग हो जाता है। विटामिन बी जो है, यहां पर बी के जगह पर आप B1 लगा लो तो ज्यादा आसानी से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। बी के साथ क्या लगा लीजिए, 1, तो बताइए विटामिन B1 के अभाव में कौन सा रोग हो जाता है। पहला है बेरी बेरी, दूसरा है नेत्र रोग, तीसरा है TB, चौथा है स्कर्वी, फटाफट बताइए। विटामिन B1 के अभाव में कौन सा रोग हो जाता है, विच डिजीज कॉज्ड इन द एब्सेंस ऑफ विटामिन B1, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, फटाफट बताइए। वेरी गुड, जितने सारे लोगों ने कहा है कि सर बेरी बेरी उत्तर होगा, सभी लोगों का जवाब बिल्कुल ही सही है। ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 कौन सा बीमारी होगी, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी। बाकी के जो बीमारी लिखा हुआ है, जैसे स्कर्वी लिखा हुआ है, यह भी विटामिन की कमी से होता है। टीबी तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दीजिएगा, इसको काट दीजिएगा, क्योंकि टीबी जो है यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न संख्या तीन, तीन नंबर क्वेश्चन है, रात्रि का अंधापन, जो व्यक्ति जिसे रात में दिखाई नहीं देता हो, यह कौन से विटामिन की कमी से होता है। रात्रि का अंधापन कौन से विटामिन के कमी से होता है। हाँ बेरी बेरी सही है, बिल्कुल नेहा शर्मा जी, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। रात्रि का अंधापन जिसे हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखाई नहीं देना, ये कौन से विटामिन के कमी से होता है। बिल्कुल सही जवाब है, सारा सही जवाब आ रहा है, सारे बच्चों का सही जवाब है, वेरी गुड। जितने सारे लोग विटामिन ए कह रहे हैं, सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल ही सही है। जितने सारे लोग विटामिन ए कह रहे हैं, सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। रात का अंधापन जिसे हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, या फिर इसको रतौंधी भी कहा जाता है, याद रखेंगे, रात का अंधापन या फिर इसी को क्या कहा जाता है, तो रतौंधी भी कहा जाता है। तो रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या चार है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम बताना है। कई बार यह प्रश्न परीक्षा में पूछा है, विटामिन B12 जो है इसका केमिकल नेम क्या है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12, बताइए। आंसर आने लगा, कुछ लोग सी कह रहे हैं, कुछ लोग ए कह रहे हैं, कंफ्यूजन है सी और ए में, फटाफट ध्यान से बताइए। विटामिन B12 को क्या थाइमिन कहेंगे, क्या राइबोफ्लेविन कहेंगे, क्या साइनोकोबालामीन कहेंगे, या फिर टोकोफिरॉल कहेंगे, क्या कहेंगे, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होगा, बताइए। वेरी गुड, जितने सारे लोग कह रहे हैं कि सर साइनोकोबालामाइन होगा, सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल ही सही है। विटामिन B12 जो है इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, साइनोकोबालामाइन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामाइन। चलिए एक प्रश्न मेरे तरफ से आपके लिए है, आपको बताना है जो विटामिन B1 होता है, विटामिन B1
जिसकी कमी से आपने अभी बताया बेरी बेरी रोग, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B1? फटाफट कमेंट करके बताइए, टाइप करके बताइए। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, बताना है आपको विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम क्या है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B1 बताइए। वेरी गुड, क्या होगा? थाइमिन। विटामिन B1 लिखते चले जाएंगे ताकि याद रहे। विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो होगा वो हो जाएगा थाइमिन। क्या हो जाएगा? थाइमिन। वेरी गुड, थाइमिन। विटामिन B1 का याद कर लो थाइमिन। विटामिन B12 का याद कर लीजिए साइनोकोबालामाइन। अगर आपसे पूछे कि बताओ विटामिन B2, आपसे अगर मान लो पूछा जाता कि बताइए विटामिन B2 जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या है, B1 का थाइमिन, B12 का साइनोकोबालामाइन और विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होगा ये बताइए। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B2 बताइए फटाफट। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B2? B2 का वैज्ञानिक नाम बताइए। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन। क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 को क्या कहते हैं हम लोग? राइबोफ्लेविन। अब लास्ट क्वेश्चन इसी प्रश्न से जनरेट करते हैं, बताइए टोकोफेरॉल जो होता है यह कौन से विटामिन का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, टोकोफेरॉल किस विटामिन का साइंटिफिक नेम है बताइए फटाफट। टोकोफेरॉल कौन से विटामिन का साइंटिफिक नेम है? टोकोफेरॉल कौन से विटामिन का साइंटिफिक नेम है? वेरी गुड, जितने लोग कर रहे सर विटामिन ई, सभी लोगों का जवाब सही है। याद कर लीजिए विटामिन ई को हम लोग क्या कहते हैं? टोकोफेरॉल। याद करिए फटाफट। देखिए विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन, विटामिन B1 थाइमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन ई टोकोफेरॉल। चलिए 5 क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न संख्या 5 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वसा, जिसको हम लोग फैट कहते हैं, कौन सा विटामिन वसा में विलेय है? यहां पर 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कौन सा विटामिन जो होता है वो फैट में सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल विटामिन का नाम बताना है फटाफट बताइए। विच विटामिन इज फैट सॉल्युबल फटाफट। कौन सा विटामिन जो है जो वसा में घुल जाता है, वो वसा में सॉल्युबल हो जाता है? 2 तरह के विटामिन होते हैं, एक जल में घुलने वाला और एक वसा में घुलने वाला। ठीक है बताइए वसा में घुलने वाले विटामिन का नाम। वेरी गुड, जितने सारे लोग कह रहे हैं कि सर विटामिन ए होगा, सभी लोगों का जवाब सही है। ध्यान रखेंगे वसा में जो घुलने वाले विटामिन है, द विटामिन विच आर डिजॉल्व्ड इन फैट, वो कौन सा है? विटामिन A, D, E और K। कई बार यह प्रश्न पूछा है, याद कर लीजिए वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन A, D, E और K। और दूसरा विटामिन होता है जो वाटर में घुलनशील है, जो जल में घुल जाता है। ठीक है, तो जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है बताइए। द विटामिन विच आर सोलिबुल इन वॉटर, नाम बताइए जल में घुलनशील विटामिन का नाम फटाफट बताइए। कौन सा विटामिन ऐसा है जो पानी के अंदर घुल जाता है? वेरी गुड, जितने सारे लोग कह रहे सर विटामिन B और C होगा, सभी लोगों का जवाब सही है। याद कर लो फैट में घुलनशील ADEK, वाटर में घुलनशील B और C। ये जितने भी विटामिन है ADEK फैट, B और C किसमें? वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। चलिए एक और मेरा प्रश्न आपसे है, एक लौता ऐसा विटामिन एक का नाम बताइए जिसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। कौन से विटामिन के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है बताइए। इकलौता विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है फटाफट बताइए। किस विटामिन के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट इज फाउंड इन विच विटामिन, किस विटामिन के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है फटाफट टाइप करिए। वेरी गुड, जितने सारे लोग कह रहे हैं सर विटामिन B12, सभी लोगों को याद कर लो कौन सा विटामिन, विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा है, इसलिए आपको बताना जरूरी था, याद कर लीजिए। ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन ADEK,
वसा जल में घुलनशील बी और सी, और कोबाल्ट जो होगा वो किस विटामिन में पाया जाएगा, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, डायनामाइट जो एक्सप्लोसिव है पहाड़ वगैरह उड़ाने में उपयोग किया जाता है, उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए है TNT, जिसको ट्राइनाइट्रोटोलिन कहते हैं, TNT ट्राइनाइट्रोटोलिन, RDX पाया जाएगा, या फिर नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाएगा, या फिर पिफ्रिक अम्ल पाया जाएगा। फटाफट बताइए, फटाफट उत्तर दीजिए, बताइए। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, डायनामाइट जो होता है इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। वेरी गुड, जितने सारे लोग कह रहे हैं सर ऑप्शन सी होगा, नाइट्रोग्लिसरीन, सभी लोगों का उत्तर सही है। डायनामाइट क्या है, एक एक्सप्लोसिव है, एक विस्फोटक है। फिल्म वगैरह मूवी वगैरह में आप सुनते होंगे कि पहाड़ वगैरह उड़ाना है तो क्या लगा देता है उसके नीचे, डायनामाइट लगा देता है, और डायनामाइट उसको उड़ा देता है, पूरा एक्सप्लोड कर। ऐसे स्क्रीन पर जो भी लिखा हुआ है ये सबके सब एक्सप्लोसिव सब्सटेंस ही है, सब में अलग अलग प्रॉपर्टीज है। आप केमिस्ट्री में इसको पढ़े भी होंगे, RDX का अलग यूज होता है, TNT जिसको ट्राइनाइट्रोटोलिन कहते हैं, TNB होता है ट्राइनाइट्रोबेंजीन, ट्राइनाइट्रोटोलिन अलग है, ट्राइनाइट्रोबेंजीन अलग है, दोनों के दोनों एक्सप्लोसिव का काम करते हैं। तो जितने सारे लोगों ने सी कहा है, सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल ही सही है, नाइट्रोग्लिसरीन। अगले प्रश्न पर आइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं में प्राकृतिक चमक क्यों होती है, जो धातुएं होती हैं वो चमकती हैं, क्यों चमकती है, फटाफट बताइए। धातुओं में जो चमक होता है वो क्यों होता है, हाँ बेहोश करने में भी इसका यूज होता है, फटाफट बताइए। धातुओं में चमक क्यों होती है, धातुओं का उच्च घनत्व होता है, धातुओं पर की गई पॉलिश के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के दबाव के कारण प्रकाश का परावर्तन, या फिर धातुओं में रासायनिक जुड़ता के कारण, फटाफट बताइए आंसर दीजिए। धातुओं में प्राकृतिक चमक क्यों होती है, जो भी मेटल्स होते हैं उनमें प्राकृतिक चमक जो होती है वो क्यों होती है। बिल्कुल सही जवाब है, जितने सारे लोग कह रहे हैं कि सर धातुओं के आउटर ऑर्बिट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस कारण उसमें से शाइनिंग होती है। देखिए मेटल और नॉन मेटल में बड़ा बड़ा सिंपल डिफरेंस है, ठीक है। मेटल आप किसको कहेंगे, तो आउटर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम है तो धातु, आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक है तो क्या हो जाएगा, अधातु। जैसे आप जान रहे हैं सोडियम है और क्लोरीन है, तो इसका कितना हो जाता है, 11 हो जाता है, इसका 17 हो जाता है, तो इसका आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ये क्या बना दिया, धातु बन गया, 4 से कम है, और इसमें कितना है, 4 से अधिक, तो 2 हो गया, उसके बाद कितना, 8, और फिर 7, तो ये क्या हो गया, अधातु, ठीक है। तो धातु अधातु पहचानने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कर लीजिए, काउंट कर लीजिए, पहला तरीका ये। अब धातुओं की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, पहली प्रॉपर्टी धातु का क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहेगा, दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का वो गुड कंडक्टर होगा, तीसरा प्रॉपर्टी क्या होगा, मैलिएबल होगा, चौथा प्रॉपर्टी क्या होगा, डक्टाइल होगा, पांचवा प्रॉपर्टी क्या होगा, सोनरस होगा। 5 याद कर लो, पहला वो क्या होगा, साइनी चमकदार होगा, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा, आउटर ऑर्बिट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे जिसके कारण उसमें साइन आएगा, 4 से कम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, ठीक है। उसके बाद सोनरस होगा, डक्टाइल होगा, लस्टरस होगा, ये सब किसकी प्रॉपर्टी है, धातुओं की। अधातु का उल्टा हो जाता है, रूम टेम्परेचर पर गैसीय अवस्था में होंगी, जो भी गैसें होती हैं उनको हम लोग किस में जानते हैं, तो अधातु में जानते हैं। पहले बात, आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक होगी, मैलिएबल नहीं होगा, डक्टाइल नहीं होगा, सोनरस नहीं होगा, ठीक है। तो ये अधातु का प्रॉपर्टी होता है, याद रहेगा। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के दबाव के कारण उसमें क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलम का जिसको हम लोग फिटकरी कहते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या होता है, फटाफट बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। एलम जिसे हम लोग फिटकरी कहते हैं, यह फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है, फटाफट बताइए। पोटास एलम जिसे फिटकरी कहा जाता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए जितने सारे लोग जुड़ चुके हैं, फटाफट एक बार लाइक कर दो वीडियो को, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे, और शेयर जरूर कर दीजिएगा।
जो भी ग्रुप में आप स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसमें शेयर जरूर कर दीजिएगा। बताइए एलम जिसे हम लोग फिटकरी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो लगातार एक साथ सभी का आंसर आ रहा है कि सर इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो होगा ए, ठीक है, K2SO4Al2SO4324H2O। वेरी गुड, जितने सारे लोगों ने ए आंसर कहा है सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। फिटकरी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटास एलम, फिटकरी को क्या कहा जाता है, पोटास एलम कहा जाता है। तो अगर वो आप जानते पोटास एलम दोनों उसका नाम पता होता तो आप आसानी से टिक कर पाते। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, इमली में कौन सा कार्बनिक अम्ल पाया जाता है? इमली के अंदर कौन सा कार्बनिक अम्ल पाया जाता है? फटाफट बताइए। जैकी कुमार जो बड़ा होगा वही सही आंसर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलो फटाफट बताओ, इमली के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली जो होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? वेरी गुड, जितने लोग बी आंसर दे रहे हैं सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है, टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाएगा? टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली के अंदर में पाया जाता है, ठीक है। टर्माइन जो होता है उसमें कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था उसमें कौन सा गैस जो था वो स्रावित होने लगा था? कौन सा गैस लीकेज होने के कारण भोपाल गैस त्रासदी एक बहुत बड़ा डिजास्टर था, बहुत बड़ी क्षति थी, ये कौन से गैस के स्रावित होने के कारण से हुआ था? फटाफट बताइए, भोपाल गैस त्रासदी जो था वो कौन से गैस के सेक्रेट होने के कारण, कौन से गैस के रिसाव होने के कारण हुआ था? ऑप्शन ए है साइनाइड, बी है मिथाइल, सी है मिथाइल आइसोसाइनाइड, डी है मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट और एक ये साइनाइड है। चलिए फटाफट बताइए, ऑप्शन लिख करके बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, फटाफट बताइए। कुछ लोग सी कह रहे हैं, डी भी आंसर आ रहा है, सी और डी भी आ रहा है, फटाफट बताइए। भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था वो कौन से गैस के रिसाव के कारण से हुआ था? एक बहुत बड़ा डिजास्टर था, किस गैस के कारण से हुआ था? फटाफट बताइए। वेरी गुड, जितने सारे लोगों ने कहा है मिथाइल आइसोसाइनेट, सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है, मिथाइल आइसोसाइनेट। इससे क्या हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था वो मिथाइल आइसोसाइनेट के चलते हुआ था। तो जितने सारे लोगों ने सी आंसर दिया है सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है? मेटलवाइड आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा तत्व उपधातु है? क्लोरीन, आयरन, कॉपर या फिर आर्सेनिक? क्लोरीन, आयरन, कॉपर या आर्सेनिक, फटाफट बताइए। जयकांत मंडल सर मेरा नाम नहीं बोल रहे, सभी का नाम बोल रहे हैं, जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सभी लोगों का नाम बोल रहे हैं। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो उपधातु है? मेटलवाइड का नाम आपको बताना है, फटाफट बताइए। डी आंसर एक साथ आ रहा है सभी लोगों का, डी, वेरी गुड, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही अच्छा जवाब है, वेरी गुड। जितने सारे लोग कह रहे सर आर्सेनिक होगा, हम भी आपसे सहमत है, क्या होगा? आर्सेनिक ही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब ध्यान दीजिए, मेटल, नॉन मेटल और मेटलवाइड ये तीन प्रकार के होते हैं। तो मेटल का यूज अधिकांश हम लोग किसमें करते हैं? तो वैसी वस्तुओं में करते हैं जो इलेक्ट्रिक गैजेट्स होते हैं, जिनमें ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने की जरूरत पड़ती है। और दूसरा जो मेटलवाइड्स होता है, उस मेटलवाइड्स का हम लोग यूज उन वस्तुओं में करते हैं जो लिटिल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन करते हैं। अब इन्हीं के आधार पर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को दो भागों में आप विभाजित कर सकते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक गैजेट, इलेक्ट्रिक, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक। कई लोगों को लग रहा होगा कि सर समान आप दोनों नाम एक ही लिख दिए हैं, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक, नहीं दोस्त, ये दोनों का दोनों नाम जो है वो डिफरेंट है, अलग है। अब कैसे अलग है ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो होते हैं ना, ये इनको ज्यादा मात्रा में ऊर्जा चाहिए होता है। जैसे आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक डिवाइस है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो आप क्या कहेंगे कि सर वो तो इलेक्ट्रिक डिवाइस है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में मोटर चलाना है उसको, ज्यादा मात्रा में एनर्जी का कंजप्शन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डिवाइस। और इलेक्ट्रिक डिवाइस में किसका उपयोग किया जाता है? मेटल्स का, धातुओं का उपयोग किया जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और वहीं पर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, एकदम लिटिल अमाउंट उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, अधिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए,
छठा सातवां क्लास में जिस समय आप होंगे, आपके स्कूल में आपके कंप्यूटर के टीचर जो होंगे वो कंप्यूटर का एक परिभाषा आपको सिखाए होंगे, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सारे लोगों ने सुना होगा, सब लोगों ने सुना होगा, पढ़े होंगे ना, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, नॉट इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो एक एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक में क्या आ जाएगा? कंप्यूटर आ जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा? मोबाइल फोन आ जाएगा। ठीक है, मोबाइल फोन को भी लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है। ठीक है, ज्यादा ऊर्जा दे दोगे मोबाइल में तो पता चला भड़क गया, उड़ गया तुरंत। तो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक में किसका उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक में उपयोग किया जाता है मेटल वायर्स का उपयोग किया जाता है, याद रहेगा। इलेक्ट्रिक में किसका यूज करेंगे? मेटल्स का। इलेक्ट्रॉनिक में किसका यूज करेंगे? मेटल वायर्स का। चलिए समझ गए, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक। ज्यादा मात्रा में ऊर्जा, जैसे आपका जो एटीएम कार्ड होगा, ठीक है, एटीएम कार्ड के ऊपर देखिएगा पीले रंग का एक चिप लगा रहता है, या फिर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा उस ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर एक पीले रंग का चिप रहेगा, या फिर आपका मोबाइल में सिम कार्ड सिलिकॉन का। ठीक है, सिलिकॉन सबसे एक पॉपुलर मेटल वायर्ड है, सिलिकॉन जो है वो सबसे एक पॉपुलर मेटल वायर्ड है। जैसे जो आपका सिम कार्ड का चिप है वो किस चीज का बना हुआ है? सिलिकॉन का। समझ में आ रही है बात? तो उपधातु में क्या आ जाएगा? आर्सेनिक आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, याद कर लीजिएगा फटाफट। चलो अगले प्रश्न पर आओ, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12, मछली के लिए भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? मछली जो होती है उसके भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? फटाफट बताइए, मछली के भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है? हाँ, एटीएम कार्ड में भी रहता है। मछली के भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बताइए। बिल्कुल सही जवाब है डायटम। सारे लोग, जितने सारे लोग बता रहे हैं सर डायटम होगा, सभी लोगों का उत्तर सही है। मछली का जो प्रमुख भोजन हो, जो समुद्री जीव है, समुद्री मछली है, उसका जो प्रमुख भोजन होता है वो क्या होता है? तो वो होता है डायटम्स होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13, मलेरिया परजीवी मनुष्य के रक्त में जिस अवस्था में पहुंचता है, मलेरिया का जो परजीवी है प्लाज्मोडियम है, जितना देर तक इन्वायरमेंट में है वो अलग अवस्था में है, लेकिन जैसे ही फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो काटा और प्रोटोजोआ को डाल दिया प्लाज्मोडियम को मनुष्य के शरीर में, तो वो किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में पहुंचता है उसका नाम आपको बताना है। फटाफट बताइए, ऑप्शन ए है क्रिप्टोजोआइट, बी है मीरोजोआइट, सी है स्पोरोजोआइट, डी है गैमिटोसाइट। फटाफट बताइए किस अवस्था में पहुंचता है, फटाफट उत्तर दीजिए। बी और सी लगातार अलग 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 आंसर आ रहे हैं, फटाफट बताइए। मलेरिया का जो परजीवी है वो मनुष्य के शरीर में जब जाता है तो किस अवस्था में? वेरी गुड, कुछ सही जवाब भी आया। जितने लोग स्पोरोजोआइट कह रहे हैं सभी लोगों का उत्तर सही है। ध्यान दीजिए, प्लाज्मोडियम जो होता है ना, प्लाज्मोडियम या प्लाज्मोडियम क्या होता है? तो एक प्रकार का यह है प्रोटोजोआ। ठीक है, मलेरिया किससे होने वाला रोग है? प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। तो यह प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो है यह किसके डंक में बैठ करके शरीर में जाता है? तो एक मच्छर है जिसका नाम है फीमेल एनाफिलीज। ठीक है, फीमेल एनाफिलीज मच्छर, यही मच्छर अपने अंदर बैठा करके ले जाती है और पहुंचा देती है, जिसको काट लेती है उसके अंदर चला जाता है ये। अब जैसे ही वह किसी के शरीर में पहुंचा प्लाज्मोडियम, उसमें क्या आ जाता है? तो एस्पोर आ जाता है, एस्पोर। और एस्पोर जो होता है यह प्लाज्मोडियम का क्या है? मोटाइल ऑर्गेन है, मोटाइल ऑर्गन, यानी लोकोमोट करने वाला ऑर्गेन, जिससे वो चलता है, लोकोमोट करता है। जैसे अगर आपसे पूछे कि एक जीव है जिसका नाम है अमीबा, नाम सुना है आपने, एक जीव है जिसका नाम है अमीबा, यूनिसेलुलर होता है, यूकैरियोटिक होता है। अब पूछे कि अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? लोकोमोटरी ऑर्गेन, जिससे अमीबा प्रचलित होता है, एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है। तो आप कहेंगे कि सर अमीबा का जो लोकोमोटरी ऑर्गेन है वह है कूटपाद, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्यूडोपोडिया। क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया कहते हैं, इससे अमीबा चलता है। अगर आपसे यही पर पूछते कि बताइए एक जीव है पैरामीसियम, जो अमीबा का चचेरा भाई है,
पैरामीसियम, ठीक है। और पूछते हैं आपसे कि पैरामीसियम जो होता है इसका आकार सभी लोग जानते हो, चप्पल के आकार का होता है, स्लीपर से पे स्ट्रक्चर होता है। और पूछे कि पैरामीसियम किससे चलता है, तो यह सीलिया से चलता है। तो मोटाइल ऑर्गेन का मतलब होता है कि जिससे वह जीव लोकोमोट करें, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम जिस समय मनुष्य के रक्त में पहुंचता है वो क्या बन जाता है, एस्पोरोजुआइट बन जाता है। उसके अंदर चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लोकोमोट करने के लिए क्या बन जाता है, स्पोर बन जाता है, मोटाइल ऑर्गेन। और यही स्पोर प्लाज्मोडियम का क्या है, गति करने वाला ऑर्गेन है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 14, फटाफट बताइए। प्रश्न संख्या 14, कौन सा कवक खाने में उपयुक्त है, कवक जिसे हम लोग फंगस कहते हैं, फंजाई कहते हैं, किस कवक का उपयोग खाने में किया जाता है, भोजन में किया जाता है। फटाफट बताइए किस कवक का उपयोग भोजन में किया जाता है, फटाफट बताइए। हाँ, किसी दिन थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल टफ रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तनाव नहीं लीजिए, बनाइए, मजे से खेलिए एकदम क्विज को, फटाफट बताइए। गलत हो रहा है, तनाव नहीं लेना है, प्रश्न सीख रहे हो इसका खुशी होना चाहिए यार, क्वेश्चन है आप सीख रहे हो इसका खुशी मनाओ, टेंशन क्यों ले रहे हैं गलत हो रहा है तो, प्रश्न तो सीखे, आगे चल करके उसको गलत नहीं करेंगे, प्रयास इसका करना है। क्विज में आप इसलिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि जो और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिले उसे आप सीख सके, वेरी गुड। जितने से इसका आंसर तो बहुत लोगों का सही नहीं आया, चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मोरकेला एस्कुलेंटा, ठीक है। मोरकुला एस्कुलेंटा एक प्रकार का क्या होता है, कवक है, जिसका उपयोग किस में किया जाता है, भोजन में। आप लोग इसका तो नाम याद रखे ही होंगे जो खूब कवक हम लोग खाते हैं, कौन सा, मशरूम, ठीक है। तो मशरूम के अलावा एक और कवक का नाम याद कर लीजिए, मोरकेला एस्कुलेंटा, मोरकेला एस्कुलेंटा एक प्रकार का कवक है। हाँ, तुक्का कुछ लोग मारे हैं, सभी का सही हुआ, बहुत लोगों का, चलो अच्छा है। मोरकेला एस्कुलेंटा एक कवक है जिसका उपयोग किस में किया जाता है, भोजन के रूप में किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से किसको वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है, वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। निम्नलिखित में से किसको वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है, लाइकेन को, मॉस को, राइजोपस को, या फिर वायरस को। वेरी गुड, जितने सारे लोग कह रहे हैं कि सर लाइकेन ही होगा, सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है, ठीक है। किसको प्रदूषण का सूचक हम लोग मानते हैं, लाइकेन को, किसको मानते हैं, लाइकेन को। तो लाइकेन से एक दो चीजें और याद कर लीजिए, जो लिटमस पेपर बनता है ना, जिससे हम लोग एसिड और बेस की प्रॉपर्टी को जानते हैं, वो लिटमस पेपर भी बनाने के लिए लाइकेन का ही उपयोग किया जाता है। और लाइकेन में कई बार प्रश्न पूछा है परीक्षा में कि पोषण यह की दृष्टि से यह कैसा जीव है, तो याद कर लीजिए सहजीवी, जिसे इंग्लिश में हम लोग सिम्बायोटिक, क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक, या फिर होलोजोइक भी कहते हैं। दूसरा चीज याद कर लीजिए, लाइकेन बनता किस चीज से है, तो कल भी हमने बताया था, आज एक बार फिर बता देते हैं, फंजाई और एल्गी, फंजाई और एल्गी के सिम्बायोटिक एसोसिएशन से क्या बनता है, लाइकेन। और इस लाइकेन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रदूषण का सूचक, वायु प्रदूषण का सूचक। जहां कहीं भी एयर में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, वहां से लाइकेन जो होता है वो समाप्त हो जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, प्रदूषण का सूचक। हाँ, एल्गी और फंजाई ये याद रखोगे, एल्गी और फंजाई इन दोनों के सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बनता है लाइकेन। अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न संख्या 16 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। केवल नर मेंढक ही टरटराते हैं, क्यों, मेल मेंढक जो होता है वो केवल टरटराता है, मादा नहीं टरटराती है, क्यों, क्या कारण है, ध्यान से पढ़िए बताइए। सर जी 5 गलत हो गया मेरा, डोंट वरी, कोई बात नहीं है, 5 को ना गलत हुआ जी, बाकी तो सही हुआ ना, 11 सही है, इसका खुशी नहीं है, 5 गलत हो गया उसका ज्यादा टेंशन है। चलिए फटाफट बताइए, दुर्गा कुमारी का आदत है, हाँ, मेल मेंढक का आदत है टटराना, है ना। चलो फटाफट बताओ, कुछ लोग ई कह रहे हैं, फटाफट उत्तर दीजिए। केवल नर मेंढक ही टटराते हैं, ऐसा क्यों, चलो फटाफट बताओ। केवल मेल जो फ्रॉग है वही टटराता है, ऐसा क्यों, फटाफट बताइए।
हाँ बिल्कुल सही जवाब आने लगा, बहुत सारे लोग डी कह रहे हैं, सभी लोगों का उत्तर सही है। क्या आंसर हो जाएगा? डी। नर मेंढक जो होता है अपनी ध्वनि को सुविकसित, नर मेंढक जो है उसकी ध्वनि जो होती है वो उसके सुविकसित वाक कोशों, वोकल जो उसका बॉडी का पार्ट है जिससे उसका आवाज प्रोड्यूस होता है, उसकी सहायता से आवर्धित कर सकता है, जबकि मादा मेंढक जो होती है उसके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है। तो जितने सारे लोगों ने डी कहा है सभी लोगों का जवाब सही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 17। बताइए भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन पीकॉक, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन पीकॉक? भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथरा टिग्रिस, राना टिग्रेना, पोवो क्रिस्टस, होमोसेपियंस। फटाफट बताइए, ये तो सारे लोग सही बता दोगे, उम्मीद है ये प्रश्न किसी का गलत नहीं होगा, सभी लोगों का सही होगा। बताइए फटाफट बताइए, अगर क्वेश्चन नया लग रहा है तो सारे लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक जरूर कर दीजिएगा सारे लोग, और सारे दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रहा है उनको लिखते जाइए एक जगह कॉपी में, आगे वो काम आएगा, सारे इंफॉर्मेशन को नोट करिएगा, एग्जाम के लास्ट टाइम में वो जरूरत पड़ेगा आपको। फटाफट बताइए, वेरी गुड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है पैवोक्रिस्टियस। पैवोक्रिस्टियस यह किसका नाम है? तो भारतीय मोर का। देखो पैंथरा टिग्रिस जो है यह किसका नाम होता है? तो टाइगर का। टिग्रिस लगा हुआ है तो किसका नाम हो जाएगा? टाइगर का, जिसको हम लोग बाघ कहते हैं। ठीक है, पैंथरा के नाम से तीन जीवों का साइंटिफिक नेम आता है, पैंथरा टिग्रिस टाइगर का, पैंथरा लियो लायन का, LEO, पैंथरा लियो किसका हो जाएगा? लायन का, शेर का हो जाएगा, और पैंथरा लैपेरी किसका हो जाएगा? लियोपार्ड, जिसको तेंदुआ कहते हैं। तो यह तीनों हो गया, पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा लैपेरी किसका हो जाएगा? पैंथरा लियो लायन का, पैंथरा टिग्रिस हो जाएगा टाइगर का, पैंथरा लैपेरी किसका हो जाएगा? तेंदुआ का हो जाएगा, लियोपार्ड का हो जाएगा। उसके बाद राना टिग्रीना जो है यह किसका नाम है? मेंढक का। किसका नाम है? यह मेंढक का नाम है। होमोसेपियंस जो है यह किसका नाम है? आधुनिक मनुष्य। आधुनिक मनुष्य यानी इसके अंदर में कौन आ जाएगा? तो हम लोग। ठीक है, हम लोग किसमें आ जाते हैं? होमोसेपियंस में। क्लियर है। और पैवोक्रेस्टस जो है यह किसका नाम है? मोर का वैज्ञानिक नाम है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, फटाफट बताइए कंगारू का वर्ग क्या होता है? कंगारू जो है वो किस क्लास से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए है रेप्टिलिया, बी है प्रोटोथेरिया, डी सी है मेटाथेरिया, डी है यूथेरिया। फटाफट जवाब दीजिए, बताइए कंगारू किस वर्ग का होता है? कंगारू जो है वो किस वर्ग का होता है? रेप्टिलिया, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया या यूथेरिया? कंगारू किस वर्ग में आता है? कंगारू जो है वो किस वर्ग में आता है? बताइए फटाफट जवाब दीजिए। वेरी गुड, जितने सारे लोग कह रहे हैं मेटाथेरिया, सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है। कंगारू किस में आता है? मेटाथेरिया में। अब कुछ बातें ध्यान से देखिए, देखिए ये सब किसका है? तो एनिमल किंगडम का अलग अलग क्लास है। देखो प्रोटोथेरिया जो होता है इसमें कौन जीव आते हैं? जो अंडा देते हैं। ठीक है, एग ले, जो जीव अंडा देते हैं एग ले करते हैं उन जीवों को क्या बोला जाता है? प्रोटोथेरिया। याद हो गया, प्रोटोथेरिया क्या करेगा? अंडे को देगा। मेटाथेरिया जो है यह अपरिपक्व अपरिपक्व बच्चे को जन्म देगा, अपरिपक्व बच्चे को जन्म देगा, अपरिपक्व बच्चे को जन्म देगा। कौन जन्म देगा? मेटाथेरिया। यूथेरिया जो है यह डेवलप्ड चाइल्ड को जन्म देगा, डेवलप्ड चाइल्ड यानी विकसित बच्चे को जन्म देगा। ठीक है, याद हो गया इतना। और रेप्टिलिया तो सभी लोग जान रहे हो, रेंग करके चलने वाले जीव, रेंग कर चलने वाले जीव। यह किस में आते हैं? रेंग के चलने वाले जीव रेप्टिलिया में आते हैं। जैसे पूछे सांप,
जैसे कहे छिपकली, जैसे कहे गिरगिट, जैसे कहे कछुआ, जैसे कहे मगरमच्छ, ये सब किस में आ जाता है? रेप्टिलिया में आ जाता है, क्योंकि सब रेंग के चलता है। याद हो गया सभी लोगों को? मेटाथेरिया का मतलब अपरिपक्व बच्चे को जन्म देगा, पूर्ण विकसित बच्चा नहीं रहेगा। कंगारू सब लोग सुनते हैं, पेट के अंदर फिर वापस थैली में रखता है बच्चे को। प्रोटोथेरिया जो है ये एक लेइंग ऑर्गेनिज्म है, जो चींटी वगैरह इस तरीके की आ जाएगी, प्रोटोथेरिया अंडा जैसा देती है। यूथेरिया किस में हो जाएगा? जो डेवलप्ड चाइल्ड को जन्म देते हैं। चलिए फटाफट बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 19 का जवाब दीजिए। एक चार कोशिकीय हृदय वाला सरीसृप है, एक सरीसृप जिसको रेप्टाइल्स हम लोग कहते हैं, उसका चार कोष्ठ होता है, वो कौन सा है बताइए, फटाफट बताइए। आज कहां से क्वेश्चन लाए हैं सर? डेली सही होना जरूरी थोड़ी ना क्वेश्चन की, रोज आपका सही हो। चलो बताओ, चार कोष्ठीय हृदय वाले सरीसृप का नाम बताइए। हाँ वेरी गुड, इतने सारे लोग कह रहे हैं सर घड़ियाल होगा, छिपकली कैसे हो जाएगी यार, घड़ियाल क्या होगा? घड़ियाल, घड़ियाल जो होता है उसके हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? चार। याद रखोगे जितने भी सरीसृप हैं सबका हृदय कितने चैम्बर का होता है? तीन चैम्बर का। कितने चैम्बर का होता है? तीन चैम्बर का। जैसे छिपकली तीन चैम्बर का, कछुआ तीन चैम्बर का, गिरगिट तीन चैम्बर का, सारे रेंग करके चलने वाले जीवों का हृदय कितने चैम्बर में? तो तीन चैम्बर में। और रेप्टिलिया का एक ही अपवाद है, एक ही एक्सेप्शन है, कौन? घड़ियाल, जिसका हार्ट कितने चैम्बर का? चार चैम्बर का, याद कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? चमगादड़ जो है वो किस वर्ग का प्राणी है? मैमेलिया है, यूथ्रिया है, प्रोटोथेरिया है, या काइरेटोप्टेरा है? फटाफट बताइए, फटाफट उत्तर दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। चमगादड़ जो है जिसे हम लोग बैट कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं इसको? बैट। नॉक्टर्नल एनिमल है, रात में निकल करके घूमते रहता है चुपचाप ही बेचारा। बताइए कैसा जीव है? मैमेलिया है, यूथ्रिया है, प्रोटोथेरिया है, काइरेप्टेरा है? फटाफट बताइए, आंसर आने लगा लगातार, बहुत लोग कह रहे हैं सर मैमेलिया ही होगा। ध्यान से बनाइए, मैमेलिया ही होगा, हम भी तो वही कह रहे हैं मैमेलिया ही होगा। कुछ लोग को चेंज करना है तो कर लो। वेरी गुड, जितने सारे लोग कह रहे हैं सर मैमेलिया, सभी लोगों का जवाब सही है। मैमेलिया को हम लोग हिंदी में कहते हैं स्तनधारी जीव, स्तनधारी जीव, ठीक है मैमेलिया। तो ऐसा मत समझ लीजिएगा कि पक्षी है, ठीक है, पक्षी है ऐसा मत दिमाग में लगा लीजिएगा, या क्या होता है, एक मैमल है, ठीक है। चमगादड़ जो होता है वो पक्षी नहीं है, क्या है? मैमल है। अगले प्रश्न पर आइए, और बाकी सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही दिया आपसे कि यूथेरिया क्या है, प्रोटोथेरिया क्या है, पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से बताइए, अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उनके मुख से क्या उत्पन्न होता है? कोरोना का पिता है काजल गुप्ता, अब जरूरी थोड़ी है कोरोना उसी से आया था, अभी तक साबित थोड़ी ना हुआ है। चलिए बताइए, अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से कैसी ध्वनि निकलती है? बताइए फटाफट, बताइए बताइए फटाफट बताइए, कैसी ध्वनि निकलती है? अल्ट्रावायलेट ध्वनि तरंगे, अल्ट्रासोनिक तरंगे, या फिर इंफ्रारेड तरंगे? फटाफट उत्तर दीजिए। वेरी गुड, जितने सारे लोग कह रहे हैं अल्ट्रासोनिक तरंगे, अल्ट्रासोनिक तरंगे, सभी लोगों का उत्तर सही है। क्या कैसी तरंग निकलती है? अल्ट्रासोनिक। देखो उसके साथ क्या है ना चमगादड़ के साथ, कि अंधेरे में घर के अंदर घुस गया, अब घर के अंदर घुस गया उसको कुछ दिखाई वैसा नहीं कि रात में उसको स्पेशली दिखाई दे रहा है, वो चलता कैसे रात में? तो ऐसे नॉर्मली वो देख पा रहा है, सारी चीजें उसको दिख रही है। दिन के समय में भी कई बार ऐसा होता होगा कि आप घर में है और आपके रूम के अंदर घुस गया, देख के डरावना लगता है, आकर के चेहरे पर बैठ गया, या फिर तो उससे एक बहुत खतरनाक बीमारी भी होती है, रैबीज उसके काट लेने से, खतरनाक जीव है, काटता भी है। तो घर में आ जाता है तो क्या करता है? चारों तरफ वो घूमने लगता है। तो पहला काम आपको ये कर देना चाहिए कि जैसे ही वो आपके कमरे के अंदर प्रवेश किया,
फैन को आप स्विच ऑफ कर दीजिए। अधिकांश बार क्या होता है कि वो फैन से ही टकरा करके उसको वो कट जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, होता क्या है, पंखा तो लगातार घूम रहा है, अब वो बहुत तेज आवाज निकालता है, उसकी जो ध्वनि निकलती है उसे हम लोग सुन नहीं पाते, हम लोगों के श्रवण क्षमता से वो अलग है। ठीक है, हम लोग तो 20 से 20,000 ही सुन सकते हैं हर्ट्ज तक, और उससे वो अलग है। तो वो जो होता है बोलता है तो उसका आवाज निकला और जाकर के जैसे ही दीवार से टकराता है वापस रिफ्लेक्ट आता है। देखिएगा कि यहां पर अगर कोई दीवार है, यहां पर आकर के चमगादड़ क्या होगा, वहां से टर्न हो जाएगा, दूसरी दिशा में मुड़ जाता है, साउंड का रिफ्लेक्शन वो फील करता है, फिर वहां से डायरेक्शन को बदल देता है। और पंखा अगर लगातार घूम रहा है और पंखे के नजदीक गया और आवाज निकाला, तो उसका आवाज क्या हो गया, अलग चला गया, अलग चला गया। अब उसको लगा कि आगे कुछ है ही नहीं, खतरा है ही नहीं, बेचारा कंफ्यूजिया करके गया और वहां पर जाकर कट जाता है। ठीक है, समझ गए। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक तरंगों को वो निकालता है जिस कारण से यह अंधेरे में उड़ने में भी समर्थ है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। नेक्स्ट है, कॉकरोच के हृदय में कक्षों की संख्या बताइए। हाउ मेनी चेंबर्स ऑफ हार्ट प्रेजेंट इन कॉकरोच, फटाफट बताइए। सारा सही हो रहा, आज तो गजब हो गया अंकेश कुमार, हमको लग नहीं रहा आपका सारा सही हो रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो बच्चा, ठीक है, और झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं है। दूसरे स्टूडेंट को काले डरा रहे हो, सारा सही हो रहा है, बाकी के स्टूडेंट तनाव में, यार मेरा तो तैयारी ही नहीं है। तो ऐसा कमेंट मत करो कि बाकी के स्टूडेंट तनाव में आ जाए। फटाफट बताइए, आंसर दीजिए, कॉकरोच के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, कक्षों की संख्या। वेरी गुड, जितने सारे लोग 13 कह रहे हैं सभी लोगों का उत्तर सही है। कॉकरोच के हार्ट में चैम्बरों की संख्या कितनी है, 13, याद कर लीजिए। जीव छोटा है, दिल बड़ा है, ठीक है, दिल उसका क्या है, बहुत विशाल दिल है उसका, बहुत बड़ा दिल है, दिलदार जानवर है कौन, कॉकरोच। हृदय में कक्षों की संख्या कितनी हो जाएगी, 13, 13 हो जाएगी। एक प्रश्न है, ध्यान से सुनना, अगर आपसे कोई पूछे कि कॉकरोच का स्केलेटन कैसा होता है, जैसे मान लो हम लोग ह्यूमन है तो हम लोगों का स्केलेटन कैसा है, इंडो स्केलेटन है, कंकाल कहां है शरीर के अंदर, कॉकरोच कैसा ऑर्गेनिज्म है, इंडो स्केलेटन है या एक्सो स्केलेटन है, फटाफट बताओ कॉकरोच का स्केलेटन कैसा है, इंडो स्केलेटन है या एक्सो स्केलेटन है। व्हाइट ब्लड, देखो कॉकरोच में वो ब्लड नहीं है, वो हीमोसियानिन पिगमेंट है। फटाफट बताइए। हाँ जी, मगरमच्छ में भी हृदय की चैम्बरों की संख्या, मगरमच्छ में भी क्या हो जाएगा, 4 चैम्बर ही हो जाएगा, फटाफट। हाँ, वेरी गुड, कॉकरोच का जो होता है, याद कर लीजिएगा, कॉकरोच बहुत प्यारा जीव है, कॉकरोच हार्ट के चैम्बरों की संख्या 13। दूसरा याद कर लो, स्केल्टन कैसा, एक्सो स्केल्टन। स्केल्टन मतलब आप हड्डी मत समझिएगा, कई बार कहा जाता है स्केल्टन सिस्टम, तो आप कहते होंगे कि हड्डी ओडी के बारे में पढ़ाएगा मास्टर, स्केल्टन सिस्टम ना, हड्डी नहीं, स्केल्टन का मतलब होता है ढांचा, कॉकरोच में तो कोई हड्डी नहीं है, फिर हम क्यों कह रहे हैं एक्सो स्केल्टन। स्केलेटन का क्या मतलब होता है जी, ढांचा होता है। तो हम लोगों का बॉडी का ये जो शेप दिख रहा है, हमारे अंदर का जो बोन है, स्केल्टन है, उसके कारण से दिख रहा है, मांस का आकार थोड़ी ना है। अब इंसान के अंदर गधा का लगा दीजिए आप स्केल्टन, तो इंसान कैसा दिखेगा, इंसान थोड़ी तरह दिखेगा, गधा की तरह दिखेगा, गधा की तरह चलने लगेगा, ठीक है। तो स्केल्टन का मीनिंग क्या होता है, ढांचा होता है। तो ढांचा जो है वो कॉकरोच का कैसा होता है, एक्सो स्केल्टन होता है, बाह्य कंकाल। प्रश्न पूछता है कि कॉकरोच का बाह्य कंकाल किस चीज का बना हुआ रहता है, तो याद कर लो काइटिन। किस चीज का बना रहता है, काइटिन का बना रहता है, चिटिन इसको मत पढ़ लीजिएगा, क्या कहते हैं इसको, काइटिन कहते हैं। वो स्टूडेंट आया, कहा कि सर चिटिन लिखा हुआ है, चिटिन नहीं, क्या पढ़ते हैं इसको, काइटिन पढ़ते हैं। किसका बना हुआ है, कॉकरोच का स्केल्टन, काइटिन का। और काइटिन जो है बड़ा मजबूत चीज है, अगर एटॉमिक रेडिएशन जोन में भी कॉकरोच को रख दिया जाए, जहां पर किसी ने परमाणु बम फोड़ दिया है, वहां पर भी कॉकरोच धूमधाम से रह लेगा, उसको कोई कष्ट नहीं है। भले ही इंसान जाए तो उसका हार्ट फेल्योर, किडनी फेल्योर सब हो जाए, लेकिन कॉकरोच जाएगा तो मजे में धूमधाम में उसको रहेगा, उसको कोई कष्ट नहीं, क्योंकि एटॉमिक रेडिएशन भी काइटिन के मेम्ब्रेन को भेद के अंदर नहीं जा सकता है, समझ गए। तो बड़ा मजबूत जानवर है ये। अगले प्रश्न पर आइए, याद कर लो कितना चैम्बर में, हार्ट में चैम्बरों की संख्या 13। अगले प्रश्न पर आइए, नेक्स्ट है, न्यूरॉन को का बाहर जाने वाला प्रक्रम क्या कहलाता है, न्यूरॉन का कौन सा भाग बाहर की ओर निकला हुआ रहता है, फटाफट उत्तर दीजिए, न्यूरॉन का बाहर जाने वाला प्रक्रम क्या कहलाता है, बताइए। तो न्यूरॉन में इस तरीके से जो रहता है, इसको हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स। ये क्या हो गया,
डेंड्राइट्स, पहले भी मैंने सीरीज में बताया है इसको, इसको क्या कहते हैं डेंड्राइट्स। ये क्या हो गया साइटॉन, सेंटर पर क्या हो गया न्यूक्लियस, और एक साइटॉन जो है ना यह लंबा इस तरीके से बाहर निकल जाता है, इसी को क्या कहा जाता है एक्सॉन। ठीक है, तो न्यूरॉन का कौन सा भाग बाहर निकला हुआ रहता है, तो न्यूरॉन का याद कर लीजिए एक्सॉन जो होता है, साइटॉन ही एक लंबा बाहर की तरफ निकल जाता है जो आगे जाकर के नर्व एंडिंग में, या फिर जिसको हम लोग न्यूरॉन एंड कहते हैं या नर्व एंडिंग करते हैं, जिससे साइनेप्स तैयार होता है वहां पर जाकर के जो खत्म होता है उसी को कहा जाता है एक्सॉन। तो याद कर लो न्यूरॉन का बाहर निकलने वाला भाग क्या कहलाएगा एक्सॉन, साइटॉन समझ गए, ये जो तारा की जैसी संरचना है इसको क्या कहेंगे साइटॉन, डेंड्राइट्स भी समझ गए इसको क्या कहेंगे, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है डेंड्राइट्स इसको कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न संख्या 24। चलिए, दांत मुख्य रूप से किसका बना हुआ रहता है, दांत जो है यह मुख्य रूप से किसका बना हुआ है। सुब्रत यादव, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ऐसा पता नहीं क्या, कुछ नहीं होगा, टेंशन फ्री रहो, होगा क्या, सब अच्छा होगा, बताइए फटाफट बताइए। दांत मुख्य रूप से किस चीज का बना हुआ है, इनामेल कैसे कह रहे हो यार, इनामेल कैसे हो जाएगा, ध्यान से बनाइए, दांत मुख्यतः इनामेल बिल्कुल नहीं होगा, क्या होगा डेंटाइन, जितने सारे लोग डेंटाइन कह रहे हैं सभी लोगों का सही है, इनामेल कैसे हो जाएगा डेंटाइन। देखिए दांत जो होता है, मान लो ये आपके ऊपरी जबड़े में लगा हुआ केनाइन टीथ है, ठीक है, अपर जॉ में लगा हुआ कौन सा दांत है केनाइन टीथ है, अब केनाइन टीथ जो ये है पूरा का पूरा बना हुआ, यह किस चीज का बना होता है डेंटाइन, किसका बना होता है डेंटाइन का बना हुआ होता है, और इस डेंटाइन के ऊपर एक हल्के पीले रंग की परत रहती है, ठीक है, डेंटाइन के ऊपर एक हल्के पीले रंग की परत होती है, और इस परत को क्या कहा जाता है इनामेल, क्या कहते हैं इनामेल। ठीक है, तो दांत पूछे किस चीज का बना हुआ है तो क्या कहिएगा डेंटाइन का बना हुआ, और दांत के कितने भाग होते हैं तो याद कर लो तीन भाग, जो भाग जबड़े में जुड़ा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं रूट, बीच वाले भाग को कहते हैं नेक, और जो भाग बाहर होता है इसको कहते हैं क्राउन, रूट माने जड़, नेक माने ग्रीवा या गर्दन, और क्राउन मतलब शिखर। दांत के कितने भाग, तीन। दांत किस चीज का बना हुआ है डेंटाइन का बना हुआ है, और दांत के ऊपर का जो परत है वो किस चीज का बना हुआ है, तो दांत के ऊपर का जो परत है वो बना हुआ है इनामेल का बना हुआ। देखिए क्वेश्चन का जो सीरीज जो है जो अरेंज किया जा रहा है उसमें नंबर्स ऑफ क्वेश्चन बायोलॉजी के अधिक होते हैं परीक्षा में, इसीलिए बायोलॉजी पर ज्यादा फोकस किया जाता है, ताकि 15 से 17 प्रश्न अकेले बायोलॉजी का रहेगा, तो उतना प्रश्न पर आप काम कर सके और वो आपका सही हो सके, तो उसका प्रयास किया जाता है। ठीक है, याद कर लीजिए दांत के ऊपर में। एक और चीज याद करो, मान लो आपसे कोई व्यक्ति आकर के पूछे कि मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा है, मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा है, तो आप क्या नाम बताइएगा इनामेल, या हड्डियों से भी मजबूत होता है, तो मनुष्य के शरीर का सबसे मजबूत भाग द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड इनामेल, मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग इनामेल होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न संख्या 25, उत्तर दीजिए। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना रहता है, ऊंट का जो कुबड़ होता है कम्ब होता है ऊपर की तरफ, वो किस टिश्यू का बना हुआ रहता है, बताइए ऊंट का कुबड़ किस टिश्यू का बना हुआ होता है, ऊंट का कुबड़ किस टिश्यू का बना हुआ होता है, कंकालीय ऊतक का, पेशीय ऊतक का, उपास्थि ऊतक का, या वसामय ऊतक का, फटाफट बताइए ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना हुआ है। तो जितने लोग कह रहे हैं वसामय ऊतक, सभी लोगों का जवाब सही है, किसका बना हुआ होता है वसामय ऊतक। ठीक है, ऊंट का जो कुबड़ होता है उसमें क्या भरा रहता है, वसा, फैट भरा हुआ रहता है। आप सुनते होंगे कि ऊंट कई दिन 12 या 14 दिन 15 दिन ऐसा कुछ एक डेटा है, उतना दिन भी अगर खाना नहीं खाए तो मजे में रहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं, पानी भी एक बार पूरा का पूरा लोड कर लेता है, तो यही वसा जो होता है ना उसके कुबड़, उससे वह ऊर्जा प्राप्त करते रहता है। फैट जो होता है वो आपको उस समय ऊर्जा देता है जिस समय आपके शरीर में भोजन ना हो, जैसे अगर आप फास्टिंग करते हैं, व्रत में रहते हैं, और फास्टिंग के दौरान आपको शरीर को जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो शरीर में जो वसा जमा हुआ है वही वसा आपको ऊर्जा देता है, तो ऊंट का जो कुबड़ है वो वसामय ऊतक का बना हुआ है। अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न संख्या 26। निम्न में से कौन सा शरीर को गर्म करने के लिए उत्तरदायी है, मनुष्य का जो शरीर है या किसी और जीव का जो शरीर है वो गर्म रहता है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल क्या है,
बताइए। हाँ, ह्यूमन में भी वसा जो होता है वो व्रत के समय एनर्जी देने का काम करता है। बताइए कौन सा शरीर को गर्म रखने का काम करता है? शरीर को गर्म रखने का काम निम्नलिखित में से कौन करता है? इसका भी वही उत्तर होगा, क्या? वसामय उत्तक। क्या हो गया? वसामय उत्तक। गर्म रखने का काम भी किसका है? वसामय उत्तक का है। नेक्स्ट है 27 नंबर, आलू भूमिगत अपरिवर्तित होता है जिसे क्या कहा जाता है? फटाफट बताइए। ऑप्शन ए है सकलकंद, बी है प्रकंद, सी है घनकंद, डी है कंद। बताइए आलू जो होता है भूमिगत अपरिवर्तित होता है उसे क्या कहा जाता है? फटाफट उत्तर दीजिए। जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, अगर नया क्वेश्चन लग रहा है तो लाइक जरूर कर दे और दोस्तों तक जरूर शेयर कर देंगे। चलिए प्रश्न का उत्तर दीजिए, आलू जो होता है भूमिगत अपरिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? बी डी अलग अलग आंसर आ रहा है। क्या कहते हैं? प्रकंद, राइजोम। क्या कहते हैं? प्रकंद या फिर राइजोम कहते हैं, जड़ नहीं कहते हैं जी, जड़ कैसे होगा। चलिए अगला बताइए, प्रश्न है बांस क्या होता है? बांस जो है बैम्बू वो क्या होता है? वृक्ष, झाड़ी, मूलांग या फिर घास? बांस क्या है बताइए? बांस क्या होता है बताइए? बी सी डी लगातार अलग अलग, पेड़ कैसे होगा? कुछ लोग पेड़ का फिगर बना रहे हैं। क्या हो गया? बांस क्या होता है तो घास होता है। बांस क्या है? एक प्रकार का घास है, ग्रास की श्रेणी में रखा जाता है बांस को। क्या है? बांस एक प्रकार का घास होता है, याद कर लीजिए, पेड़ मत कहिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न संख्या 29। नेक्स्ट है हल्दी के पौधे का खाने वाला हिस्सा कौन सा है? हल्दी के जिस भाग को हम लोग खाते हैं वो क्या है? जड़ है, प्रकंद है, फल है या फिर कंद है? फटाफट बताइए हल्दी का कौन सा भाग खाने वाला होता है? इडेबल पार्ट ऑफ टर्मरिन, इडेबल पार्ट ऑफ टर्मरिक। हल्दी का कौन सा भाग खाने वाला होता है? इसका भी क्या होगा? प्रकंद। क्या हो जाएगा? प्रकंद। हल्दी का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? राइजोम को खाते हैं, प्रकंद को खाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, लास्ट आज का क्वेश्चन है अदरक क्या है? रूपांतरित जड़ है, राइजोम है, ट्यूबर है, बल्ब है? अदरक जो है वह क्या है? फटाफट लास्ट प्रश्न है, उत्तर दीजिए। अदरक क्या है? अदरक क्या होता है? व्हाट इज जिंजर? हाँ, जितने सारे लोग कह रहे हैं राइजोम, वेरी गुड। जितने सारे लोगों ने राइजोम कहा है सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है। तो चलिए आज का लास्ट प्रश्न यहीं तक था। किसका कितना नंबर आया सारे लोग कमेंट कर करके बता दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सारे लोग, जितने सारे लोग देख रहे हैं सारे लोग लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि यह इंफॉर्मेशन बाकी लोगों तक पहुंच सके। और खूब ऊर्जा से, पूरी एनर्जी से भरे हुए रहिए, डिप्रेशन में नहीं आना है, तनाव में नहीं आना है। जिनका सारा प्रश्न सही हुआ होगा उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, और जिनके बहुत सारे प्रश्न गलत हो गए होंगे उन्हें भी तनाव लेने की जरूरत नहीं है। विल गेट्स का नाम सभी लोगों ने सुना है, एक समय तक विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे। सब लोग नाम सुने हैं बिल गेट्स का, एक समय में क्या हुआ करते थे? सबसे अमीर व्यक्ति थे। उनका जब आप जीवनी पढ़िएगा तो उनका जीवनी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको मिलेंगे। तो विल गेट्स लिखते हैं, आई फेल्ड इन सम सब्जेक्ट्स इन माय एग्जामिनेशन। ध्यान से सुनिएगा, विल गेट्स का लाइन है, बिल गेट्स का लाइन है, आई फेल्ड इन सम सब्जेक्ट्स इन माय एग्जामिनेशन। मैं अपनी परीक्षा में कुछ विषयों में फेल था, बट माय फ्रेंड्स पास इन देम ऑल। लेकिन मेरे सारे दोस्त उन सारे विषयों में पास थे। एट प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में, दे ऑल आर इंजीनियर इन माइक्रोसॉफ्ट। वे सभी माइक्रोसॉफ्ट में इंजीनियर हैं, एंड आई एम द ऑनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, एंड मैं माइक्रोसॉफ्ट का मालिक हूं। ऐसा कौन लिखता है? तो ऐसा बिल गेट्स लिखते हैं जो दसवां तक भी पास नहीं कर सके। तो आपके पास अगर स्किल है, आपके पास अगर प्रतिभा है, आपके पास अगर टैलेंट है, तो दोस्त तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
जो चाहोगे जैसे चाहोगे अपने दम पर अपने बूते पर आप प्राप्त कर सकते हो। वो सारी क्षमताएं सारा चीज आपके अंदर है, बस जरूरत है अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालने का। कंफर्ट जोन में मत रहिए, जब तक कंफर्ट जोन में बने रहिएगा तब तक आपके अंदर कोई प्रगति कोई आपका विकास नहीं हो सकता है। और जिस दिन आपने अपने कंफर्ट जोन को त्याग दिया, कंफर्ट जोन से आप बाहर निकल जाइए, उसी दिन से आप क्रांति का इतिहास लिखना शुरू कर दीजिएगा। तो पहला, शरीर से पसीना बहाना सीखिए, ठीक है, पसीना बहाना सीखिए, मेहनत करना सीखिए। मेहनत करना आज के समय का सबसे बड़ा डिमांड है, सबसे बड़ी आवश्यकता है, और सारे यूथ के साथ, सारे युवा के साथ ये होना चाहिए कि सही डायरेक्शन में पॉजिटिव विजन के साथ आप मेहनत करें। तो तनाव रहित होकर के, टेंशन फ्री होकर के, जो भी सीरियस कैंडिडेट है खूब मन लगा करके पढ़िए, निश्चित रूप से आप सभी का रिजल्ट होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना, धन्यवाद।